ओम शांति। हम सभी शिव बाबा के बच्चे ब्रह्मा वत्स इस धरा पर बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। हम जन्म ही लिया है बहुत श्रेष्ठ भाग्य के साथ। स्वयं भगवान के घर जन्म लिया है, स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के घर हमने जन्म लिया है। कितना बड़ा भाग्य है हम सबका। अपने भाग्य पर हमें बहुत बहुत आनंदित होना है और उसने हमें परम शिक्षक बनकर बहुत बड़ी नॉलेज भी दे दी। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के साथ ड्रामा का गुह्य ज्ञान भी उसने हमें प्रदान किया और बता दिया ये संसार एक विशाल नाटक है, तुम इसमें एक्टर्स हो, हीरो एक्टर हो, तुम्हें अपने पार्ट को एंजॉय करना है। इस ड्रामा का डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, तुम सब हीरो एक्टर कौन कौन हो, ये जानकारी तुम्हें बहुत अच्छी तरह मिल चुकी है। तो ड्रामा के इस सुंदर ज्ञान के द्वारा इसका चिंतन करते हुए हम सभी अपने को अचल अडोल बनाएं, अपनी स्थिति को ऐसा महान बनाएं कि अंत में हमें बाबा की याद रहे, ये याद रहे कि मैं ये देह छोड़कर जाकर श्री कृष्ण जैसा बनूंगा। ये स्मृति कमाल करती हैं, लेकिन लंबे काल के अभ्यास की जरूरत है। ड्रामा के ज्ञान को भिन्न भिन्न तरह से हम यूज करें। पहला तरीका, इस ड्रामा में सभी आत्माएं हैं, वे अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए यहाँ किसी का कोई भी दोष नहीं है। दूसरी बात, जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है वो वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू, इसको कोई बदल नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होगा, वही होना चाहिए। बहुत सुंदर ये बात है। ऐसे ही हम याद रखें, ये ड्रामा संपूर्ण रूप से एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं और ये पूरी तरह कल्याणकारी है। जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम याद रखें, जो पास्ट हो गया वो अब से 5000 साल बाद ही रिपीट होगा, इसलिए उसका चिंतन न करें। जो भविष्य है वो पहले से ही निश्चित है, हम पुरुषार्थ तो अवश्य करें लेकिन चिंता बिल्कुल न करें। ड्रामा में जो एक बार सीन हो गया उसको रिपीट होने में 5000 वर्ष का समय लगेगा, इसलिए उसको बार बार खोल कर न देखें, बार बार उसको याद न करें। ड्रामा में जो सुंदर सीन हो गए हैं हम केवल उन्हें याद करें। हम याद रखें कि सभी आत्माएं अपना अपना भाग्य लेकर ही आई हैं, सबका भाग्य निश्चित है, श्रेष्ठ है। और अब इस ड्रामा में हमारा सुंदर पार्ट वापिस घर जाने का, प्रभु मिलन का और स्वर्ग का राजभाग्य संभालने का हो रहा है। अपने इस महान पार्ट को देखकर बहुत बहुत आनंदित रहें। तो ड्रामा के संपूर्ण ज्ञान के द्वारा हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाएंगे, यही हमारा बहुत श्रेष्ठ परम लक्ष्य है। और इसके लिए आज सारा दिन साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे। ये ड्रामा कितना सुंदर खेल चल रहा है, सब आत्माएं कैसे अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। अब जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है कुछ समय के बाद वो नहीं दिखाई देगा और हम वो सब कुछ देखेंगे जो 5000 वर्ष पहले देखा था। स्वर्ग का सुंदर नजारा इस धरा पर देखेंगे, देव युग में हम प्रवेश करेंगे और साथ साथ
आत्मा बनकर परम धाम में जाने की और वापिस आने की ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा, पहले आत्मा पर एकाग्र होंगे, फिर मैं आत्मा ये देह छोड़कर चली परम धाम, बाबा के पास बैठ गई, उसकी शक्तियां स्वयं में भरी और फिर वापिस आ गई अपने देह में। ढकुटी सिंहासन पर महान कार्यों के लिए ये दिल करते रहेंगे। ओम शांति।